टुंडा की गिरफ्तारी से आतंकी संगठनों के कई और राज सामने आएंगे, किसी नई साजिश का भी खुलासा होगा और मुंबई हमले मामले में भारत का पक्ष और मजबूत होगा। विमल कौशिक, इंडिया टीवी, दिल्ली। जिसकी तलाश करीब करीब देश के हर राज्य की पुलिस कर रही थी, जिसकी मौत की खबर 2000 में आई थी, वो टुंडा आखिर पुलिस की गिरफ्त में आया कैसे? वो इंडो नेपाल सीमा से भारत में क्यों घुस रहा था? तारीख 16 अगस्त 2013, समय दोपहर के 3 बजे, जगह इंडो नेपाल सीमा। 33 आपराधिक मामले और देश के अलग अलग जगहों पर 40 धमाकों के गुनाहगार को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया है। रक्सौल से भारत में घुसने की फिराक में था, लेकिन DRI यानी राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने उसे पकड़ लिया, फिर उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हवाले कर दिया गया। अब्दुल करीम टुंडा, जो कि एक LET का ऑपरेटिव है, एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटिव और इंडियाज 20 मोस्ट वांटेड लिस्ट में जिसका नाम है, वो कल पकड़ा गया है और उसे हम दिल्ली ले आए और हमने उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। गिरफ्तारी के बाद टुंडा को दिल्ली लाकर साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से टुंडा की दिल्ली पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली। गिरफ्तारी के वक्त टुंडा के पास से पाकिस्तान का पासपोर्ट भी बरामद किया गया, जिसमें अब्दुल करीम टुंडा का नाम बदला हुआ है। उसके पास से एक पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसका नंबर है AC 4413161, जो कि 23 जनवरी 2013 को इशू किया गया था इन द नेम ऑफ अब्दुल कुदूस, ये उससे बरामद हुआ। 70 साल के टुंडा पर कई गंभीर आरोप हैं, देश में आतंक फैलाने, दाऊद से मिलकर 1993 में मुंबई ब्लास्ट को अंजाम देने, नौजवानों को आतंक की तरफ ले जाने जैसे। ये यंग इंडॉक्ट्रिनेटेड जो मुस्लिम यूथ हैं उनको ट्रेन करता है और उनको ID बनाना सिखाता है। इसने जो ID बनाने का जो तरीका इसने निकाला, यूरिया, नाइट्रिक एसिड, पोटासियम क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन और सुगर, इन सब को मिला करके ये बम बनाता है। टुंडा भारत में उन 20 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था जिसके हिंदुस्तान को दरकार है। 26/11 हमले के बाद जिन 20 आतंकियों की फहरिस्त भारत ने पाकिस्तान को सौंपी थी, उसमें अब्दुल करीम टुंडा का नाम भी था। 15वें नंबर पर टुंडा का नाम था। 28 साल से भारत को जिस आतंकी की तलाश थी, 2000 में भारत की खुफिया एजेंसियां उसके करीब पहुंच गई थी, लेकिन इस बीच एक खबर फैलाई गई कि टुंडा मर चुका है। लेकिन 2005 में लश्करे तौबा चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल रजाक मसूद ने गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया था कि टुंडा अभी जिंदा है। जानकार मानते हैं कि टुंडा ने एजेंसीज को चकमा देने के लिए झूठी खबर फैलाई। ISI का ट्रेंड है, दाऊद इब्राहिम का करीबी है और UAE जैसी जगहों पर छुपा हुआ था, यहां से वहां बांग्लादेश में बहुत सालों तक छुपा रहा। 2000 में फाइल क्लोज हो गई क्योंकि एक ऐसी कहानी चलाई गई, और ये बहुत समझने की चीज है कि कहानियां ऐसे चला देते हैं, प्रोपेगेंडा हो जाता है जिससे इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस गुमराह हो जाती है कि वो मारा गया। पिछले 16 साल से टुंडा कराची, कीनिया और पश्चिम एशिया देशों में छिपा था। ज्यादातर वो कराची में लश्कर के चीफ के साथ संपर्क में रहता था। सूत्रों के मुताबिक सईद के इशारे पर ही टुंडा दिल्ली में आतंक फैलाने के लिए कराची से काठमांडू पहुंचा और लगातार लश्कर के आतंकवादियों के संपर्क में था। विमल कौशिक, इंडिया टीवी, दिल्ली।